इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम लय में कैसे मजबूत हो, ताल में कैसे मजबूत हो। सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे ये मन मतवारा मतवारा, भोराई गया अंधियारा, गया अंधियारा, गया अंधियारा। लय में मजबूत होना बहुत ही जरूरी है एक संगीत के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो गायक हो, वादक हो या नर्तक हो। अगर वो लय में कमजोर है तो सुर भी अगर उसके अच्छे लगते हैं तो वो फीके पड़ जाएंगे अगर वो लय में कमजोर है। ये बहुत ही बड़ा अवगुण माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से भी। अगर आप ताल में कटते हैं, लय में सही से नहीं गा पाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग लय में जन्म से ही मजबूत होते हैं और कुछ लोग कमजोर होते हैं। आइए एक बात और मैं आपको बताता हूं। आपने नोटिस किया होगा कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक लय में होता है, एक टेम्पो में होता है। हम सड़क पे चलते भी हैं तो एक लय में चलते हैं। कोई तेज लय में चलता है, कोई धीमे लय में चलता है, पर एक लय में चलता है। घड़ी की सेकंड की सुई भी एक लय में चलती है, टक टक टक। आपने किसी नल से बूंदे गिरते हुए देखी होंगी, वो भी एक लय में ही गिरती हैं, टप 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 टप। तो दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ एक लय में बंधा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपकी लय कमजोर है तो मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपके लिए कारगर साबित हो। दोस्तों, लय का एक सेंस होता है। सेंस मीन्स आप अपने आप किसी सॉन्ग के लय को पकड़ लेंगे अगर आपकी सेंस मजबूत हो। अगर आपकी सेंस कमजोर होती है तो आप बीट में नहीं आ पाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी लय में कुछ स्वर गाऊंगा, सा रे ग म, तो दोस्तों देख रहे हैं मैं एक लय में गा रहा हूं, और जो लय में कमजोर होगा वो इसको शायद कुछ ऐसे गाएगा, सा रे ग म। वो ऐसा इसलिए करेगा कि उसका जो सेंस लय का वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। और दोस्तों, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप अपने लय को सही नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है। अगर आप सही अभ्यास करेंगे तो लय भी आपका मजबूत हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो लय में कमजोर होते हैं, जिनका ताल कटता है, वो सही नहीं हो पाते हैं। वो कतई गलत है मेरे हिसाब से। अगर आप लय में कमजोर हैं तो आप अभ्यास करके उसमें स्ट्रांग हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लय के सेंस को डेवलप करिए। इस सेंस को डेवलप करने के लिए आप कोई घड़ी ले लीजिए और घड़ी के सेकंड के सुई के साथ अपने ताली को मिलाइए। जैसे सेकंड चल रही है, टक टक, उसके साथ ताली दीजिए, टक 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 टक।
हो सकता है शुरू शुरू में आपका बीट टू बीट न जाए, पर आप करते रहेंगे तो बीट टू बीट जाने लगेगा। आप तब तक करिए जब तक आप बीट टू बीट जाने न लगे। फिर इसके अलावा आप जब भी रियाज करिए ताली देके रियाज करिए। सारे गम बम गरे सारे गम, सारे गम बम गरे सारे गरे सा, सारे गम बदनी नी नी धा बम गरे सा, सारे गम बदनी सा सा नी धा बम गरे सा। ताली देके इससे भी आपका लय मजबूत होगा। जब हम लोग शास्त्रीय संगीत में बंदिशों का रियाज करते हैं तो ताली देके करते हैं, ताली खाली दिखाकर, उससे हमारा लय और मजबूत होता है। रे रे सा ग ग रे म म ग प प म ध ध ब नि नि ध सा सा नि रे रे सा सा नि ध प म ग रे सा। एक लय चल रहा है। तो दोस्तों पहले आप अपने सेंस को डेवलप करिए, घड़ी के सेकंड के सुई के साथ मिलाइए अपने हाथ को, फिर ताली देके, ताली देके रियाज करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लय मजबूत होना ही होना है, आप ताल में नहीं कटेंगे। यह बहुत ही देखने में बेसिक एक्सरसाइज लगेगी, पर यह बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। ताली देके गाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप इन दो बातों का ध्यान रखेंगे, इनका अभ्यास करेंगे तो आप जरूर ही, मुझे आशा है कि आप लय में मजबूत होंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और भी वीडियोस आने वाले हैं। दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आपने सब्सक्राइब किया? अगर किया तो यश टाइप करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर पूछें।